अपनी चेयर्स लगी है ओ सारी। भैंस की क्या ये 2% का टेंट आता है जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। बात है, बैग से बैग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और आप देख रहे हैं भाई दीप ट्रैवल व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ यार डीकैथलॉन के स्टोर में, जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं टेंट और कैंपिंग से काफी सारे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मैं सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको कैंपिंग में क्या क्या मिलेगा ए टू जेड। सो गाइस, यहाँ पे ना चेयर स्टार्ट हो जाती है आपकी 500 से चेयर स्टार्ट हो जाती है। अगर आप स्टार्टिंग से बात करो ना तो आपको स्टार्टिंग ना यहाँ से हो जाती है। ये आपकी बिल्कुल बेसिक चेयर आती है, आप ऐसे फोल्ड करके ना इजीली, अगर अपने बाइक वगैरह ट्रिप है तो अगर कार वगैरह तो उसमें आप इजीली कैरी करके लेके जा सकते हो। बाकी यार काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी से है। अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाली जो है ना, ये वाली मुझे पर्सनली सबसे अच्छी लगी है क्योंकि फोल्ड होके ऐसी हो जाती है बिल्कुल छोटी। ये आप देख सकते हैं, अगर आप ट्रैकिंग कैंपिंग कर रहे हैं ना तो आपके जैसे 60 लीटर्स 40 लीटर्स के बैग हैं तो उसमें आपको आराम से आ जाएंगी ये वाली, ये सबसे बेस्ट है यार। बाकी वीडियो ना यार मैं छोटी से छोटी करूँगा तो आप वैसे देख लो, यहाँ पे सब चीज़ों के ना प्राइजेस लिखे हुए हैं। अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे आपकी 500 से लेके 3500 तक की चेयर आती है, बट आपको सजेस्टेड मैं यही करूँगा कि आप 1000 और 1500 वाली लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बैक रेस्ट साथ में मिल जाता है। मेरा होता है क्योंकि आप लंबी सारी राइड करके आते हैं गाइस, तो ना आपका जैसे बैक होती है वो काफ़ी पेन हो जाता है, तो आपको एक बैक रेस्ट के लिए चेयर चाहिए होती है, तो आपकी मेन पर्पज़ ये वाला आपका पूरा कर देगी। सो गाइस, देख सकते हैं यार यहाँ पे आपके यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। बाकी आपको यहाँ पे ना काफ़ी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। एक ये वाला आता है हाइकिंग का M100 2% टेंट है। ये जैसे अगर आप ट्रिप कर रहे हैं, अगर सोलो ट्रिप कर रहे हैं या आप दो बंदे हैं उसके लिए है। बाकी यार आपको ना मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। एक ये आता है, ये वाला है गाइस 3% टेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3% टेंट है। इसमें कलर्स वगैरह भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारे, और ये आपको 3 बंदों के लिए आराम से रहता है। बट मेरा सजेशन ये है कि जैसे अगर मैं अभी लेने आया हूँ यार टेंट, तो मैं अपना वही लूँगा क्वाचो का M100 जो है वो वाला मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं एक सोलो राइड करने वाला हूँ। तो जो सोलो राइड है उसमें आपको एक्सपीरियंस जो दूंगा उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा मेरा। और बाकी आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ना आपको ट्रैकिंग की पैंट्स भी मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हैं यार जो ट्रैकिंग वगैरह से रिलेटेड है, आपको सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बंडल्स वगैरह है कि आपको ऐसे इस टाइप से बैग्स भी मिलेंगे आपको, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको मैट मिल जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जो कैंपिंग में ना काम आती है, जो कहीं पे मिलती नहीं है। बेसिकली यार मैं अपनी ट्रैकिंग के लिए लेने आया हूँ क्वाचो का M100 भाई, क्योंकि ये आपको क्यों बेस्ट पड़ेगा अगर आप एक सोलो राइडर हैं तो। ये आपकी यहाँ से एक लेयर होती है जो रेन लेयर होती है, वो यहाँ से आपकी हट जाती है, और एक ही आती है आपकी डबल लेयर। इसमें पता है गाइस क्या होता है कि काफ़ी सारे आप टेंट देखोगे ना तो यहाँ से आपके ब्लॉक होते हैं, उसमें वेंटिलेशन का नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जहाँ अगर आप मतलब फॉरेस्ट वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे अगर किसी किसी में होता भी है ना तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो जाली आती है इसकी वो काफ़ी मतलब मोटी होती है, जैसे आपको छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं मच्छर वगैरह होते हैं यार वो अंदर आ जाते हैं। गाइस टेंट आपको देख लो कुछ ऐसा दिखता है यार, ये 2% का टेंट आता है जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। और ये ना आपको अगर पैकिंग देखोगे तो इसकी एक शीट और आती है एक्स्ट्रा, जो आपको टेंट की पैकिंग में अलग से मिल जाएंगी। बाकी इसके स्टिक्स वगैरह भी आती है। तो गाइस अगर मैं आपको अंदर जाके दिखाऊँ ना तो आप देखना कि इसका साइज़ क्या होता है। सो गाइस देख सकते हैं यार मेरी हाइट है 5'9" की हाइट है यार मेरी, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे देख के दिखाता हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ। और इसके बाद भी ना काफ़ी स्पेस बचा हुआ है दूसरे पर्सन के लिए। अगर आपको एक चीज़ और देखो कि जैसे अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो गाइस, तो आप सोलो ट्रैवल करोगे तो आपका सामान वगैरह भी होता है, तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ पे इतना इनफ स्पेस बचता है यार कि इतना आप ईजिली सो सकते हो। ये आपको यहाँ पर नोक्स आती है जैसे जहाँ हवा वगैरह चलती है, जैसे अगर आप स्पीति वगैरह या खारदुंगला की साइड जाओगे तो वहाँ पर स्नो के साथ साथ विंड काफ़ी होती है, तो आपका टेंट क्या होता है ना टेंट निकल जाता है। आप यहाँ से ना इसको हैंग कर सकते हो, हैंग करके आप यहाँ पे आप क्लिप कर सकते हो। सो गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ यार खोल के कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। वैसे
गाइस मेन होता है हमारा टेंट और ये होता है कवर इसका। तो गाइस देख लो ये अपना टेंट हो रहा है भाई। देख लेते हैं आपको एक बार कैसे सेट होता है। आपको मैंने वहाँ तक का तो दिखाई दिया, अब एक बार आप यहाँ पे देख लो कैसे हुक सेट होता है। बाकी भाई बड़ी खुशी हो रही है यार लेते हुए। काफ़ी टाइम से यार मैं सोच रहा था कि ना टेंट लेना है लेना है, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था यार मुझे आने का। तो फाइनली गाइस आज टाइम मिला है यार। ये देख लो यार इसमें ना यहाँ पे आपको क्लिप्स मिल जाएंगी, ये आती है इसकी डबल लेयर जो रेन प्रूफ करती है इसको, और यहाँ से इसके ओपनिंग का होता है साइड वाला। अच्छा ये वो क्लिप्स है जो ओके ओके, ये जैसे मतलब जहाँ पे हवा वगैरह आती है तो वहाँ दबा के लगाने के लिए। ओके अच्छा। तो ये देखो गाइस अपने डीप ब्लॉगर, डीप ट्रैवल ब्लॉगर के टेंट। भाई ट्रैवल करने वाला है तो उसके लिए ये टेंट ले लिया, और यहीं पे असेंबल करके भाई ने देख लिया। ठीक है काफ़ी बढ़िया टेंट है यार, अंदर लेटने के लिए सही है। ये देखो इधर से ये वेंटिलेशन के लिए है, वाह सही है। ये डबल डबल लेयर है, मतलब अगर बारिश होती है ना तो बचा रहेगा। अच्छा हवा वगैरह आती है ना तो हवा के चक्कर में मैं इसको यहाँ पे बांध सकता हूँ। कंफर्टेबल है ना, हाइट भी बढ़िया है, आराम से बैठ के। और तुझे पता है एक ना उधर देख, उधर भी ना उधर वेंटिलेशन का भी है, और एक साइड शायद पॉकेट भी थी इसमें। ये नेट है, नेट। अच्छा नेट है। उधर देखो जो उधर मतलब ऊपर से खुला हुआ था जो वेंटिलेशन का है ना, हाँ हाँ। एक चीज़ की कमी लगी यार इधर ना, पॉकेट नहीं है इसमें कोई भी ना, क्योंकि जो 3% टेंट आता ना यार गाइस उसमें ना पॉकेट होती है, इसमें पॉकेट नहीं है। और यहाँ पे ये वो है लाइट वगैरह टांगने के लिए। हाँ ये देख लो यहाँ पे भी ना, बहुत बढ़िया यार। ये ना काफ़ी टेंटों में नहीं मिलती, ये सही है इस टेंट में मिल गया हमको भाई। मेरे इस उत्कर्ष आज यहीं सोने वाला है ना तू, बहुत सही है भाई, तेरा बिस्तर यहीं ला देता हूँ। तो देख देख इस गधे को देख कैसे फैला पड़ा है, जैसे ये पूल टेबल इसके बाप ने दिया हो। क्या बोलते हैं फायर से बचने के लिए, फायर बचने के लिए नहीं भाई बचा के रखने के लिए है। तू मतलब चाह रहा है कि ये फायर ब्रिगेड का भी काम करेगा। हाँ पता है क्या हुआ है, सारा सामान अब इकट्ठा हो गया, अब पेट्रोल के वैसे नहीं है। भगवान। सो गाइज इस वीडियो में ना इतना ही था, जितना हमसे हो सका हमने कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को करना है भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ये फर्स्ट टाइम शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो ऐसे ही यार अब राइडिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट। साथ ये फर्स्ट बारी ट्रैवल कर रहे हैं ना। हाँ मतलब वीडियोज़ तो मैंने काफ़ी सारी अपलोड की है, बट ट्रैवलिंग की फर्स्ट वीडियो। तो अब यहाँ से ना भाई यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो भाई टेंट आ गया है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो शेयर करना बनता है, शेयर करना बनता है भाई। दिखाओ भाई, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। भाई का भी चैनल है जीएम तारा के नाम से, वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो। भाई फिर मिलते हैं ऐसी अनदर वीडियोस के साथ। बाय बाय।